देश भर के लोगों को यह बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग लापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बहा लूं। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने के खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता। इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, साजिशें रच रहा है। इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, साजिशें रच रहा है।